I've fallen in love with I love. I love. Él bole, wow. सम्राट युधिष्ठिर महारानी द्रौपदी अपने अनुजों सहित द्युत क्रीड़ा भवन में पधार रहे हैं। महाराज, प्रिय युधिष्ठिर अपने अनुजों सहित और आपकी पुत्र वधु के साथ आपको प्रणाम कर रहे हैं। सुखी रहो। आपके आशीर्वाद की छाया हमें सदैव ही दुखों की धूप से सुरक्षित रखती है। जयश्विता श्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जो आज्ञा मैं देने जा रहा हूं पुत्र, उसे देकर स्वयं मैं भी प्रसन्न नहीं हूं, परंतु प्राचीन परिवारों की जीवन यात्रा में कुछ ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जहां बड़ों को अनचाहे आदेश भी देने पड़ते हैं। मैं हस्तिनापुर राज्य के विभाजन से प्रसन्न नहीं था। अपने पूर्वजों के इस राज्य का विभाजन मेरे हृदय का एक ऐसा घाव है जो कदाचित कभी नहीं भरेगा। पुत्र युधिष्ठिर, तुम कुरु परिवार के ज्येष्ठ पुत्र, इसलिए तुम्हारा दायित्व दूसरे भाइयों से अधिक है। कदाचित आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी तुम अपने अनुजों को यह समझा पाओगे कि एक ही तुणीर में बहुत से वान तो रह सकते हैं, परंतु एक ही वन में दो सिंह नहीं रह सकते, एक ही घर में दो उच्चाकांक्षाएं नहीं रह सकती, दो ऋतुएं एक साथ नहीं रह सकती, दो नदियां एक साथ नहीं रह सकती, किसी एक को दूसरे में मिल जाना ही पड़ता है। मेरा पुत्र दुर्योधन, तुम लोगों में मिल जाने या तुम्हें अपने से मिला लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो तुमसे एक दांव और खेलना चाहता है। दांव पर है 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास। यदि तुम जीते तो दुर्योधन को 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास स्वीकार करना होगा, और यदि वो जीता तो यही तुम्हें स्वीकार करना होगा। क्या अनुज दुर्योधन की ओर से पांसे फिर मामाश्री ही फेंकेंगे जयश्विता श्री? इस प्रश्न का उत्तर तो दुर्योधन ही दे सकता है। मुझे उत्तर मिल गया जयश्विता श्री। तो क्या तुम इस दांव के लिए अपनी स्वीकृति देते हो पुत्र? यदि यह आपका आदेश है तो मेरी स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता। आपकी आज्ञा का पालन होगा जयश्विता श्री। प्रणाम मामाश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम भ्राताश्री।
प्रणाम। क्या आप भी यहां बैठेंगी भाभी श्री? जिस दांव पर स्वयं मैं भी लगी हुई थी वो दांव मुझे देखना तो चाहिए ना देवर जी। यदि अंगराज कर्ण को कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपने पांचों पतियों के साथ यहीं बैठ जाऊं? मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, अवश्य बैठिए। धन्यवाद। पिताश्री, पिताश्री ये बताना भूल गए हैं कि यदि उस अज्ञातवास में पहचान लिए गए तो फिर से 12 बरस का वनवास और 13 बरस का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आज के उपरांत हम फिर कभी एकत्र हों। इसी में तुम्हारी भलाई भी है, क्योंकि आज के उपरांत जब कभी मेरा तुम्हारा सामना होगा तो मैं पांचाली के केशों के लिए तुम्हारा और दुशासन की छाती का लहू अवश्य ले जाऊंगा। इसलिए पांचाली के खुले केश देखो और खेल आरंभ करो। और ये भी ध्यान रखिए भ्राता दुर्योधन कि इस खेल का परिणाम हम जानते हैं, फिर भी हम खेल रहे हैं। तुम लोग चुप रहो, तुम्हारे भ्राताश्री को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तो फिर क्रीड़ा आरंभ करो सम्राट। यदि मैं आपसे खेल रहा होता मामाश्री तो अवश्य खेल में पहल पर मेरा अधिकार होता, किंतु मैं तो दुर्योधन से खेल रहा हूँ और वो मेरा अनुज है, तो खेल भी उसी की ओर से आरंभ होगा। जैसी आपकी इच्छा। भांजे दुर्योधन, क्या चाहिए भांजे? मामाश्री, पाव बारा ही आएगा भांजे। पाव बारा भांजे। मामाश्री, मुझे 6 की आवश्यकता है। अभी लो भांजे। 6! हाँ, ये तो 8 आ गया। चलो गोटियां चलो, और ये लो 5 से दुशासन सम्राट को दो। लाओ अनुज। बोलो नकुल, क्या चाहिए? खेल आरंभ करते हैं। श्राता श्री, 12। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बोलो नकुल, अब क्या चाहिए? अब हमें 6 की आवश्यकता है ब्राता श्री। 6। अर्जुन, ये लो मामा श्री, अपनी सेना को लो। मामा, 8। 8 ही आएगा। आओ मेरी सेना। 8! ये क्या हो गया मेरी सेना को? अब 7 चाहिए। अभी लो नकुल। 7! 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें कितना चाहिए प्रिय अनुज? 8 होने चाहिए भ्राता श्री। 8! 8! 1 2 3 4 5 6 7 8! ये रही आपकी कोटी भ्राता दुर्योधन। भ्राता श्री, 4। अभी लो नकुल। 4 आने चाहिए भ्राता श्री। 4 ही आएगा प्रिय नकुल। मामा श्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। आएगा भांजे, अवश्य आएगा। 9। मामा श्री, मुझे 12 की आवश्यकता है। 12। आओ मेरी सेना। 12! क्या हो रहा है? आएगा भांजे, अवश्य आएगा। भ्राताश्री, हमें 7 चाहिए। अवश्य नकुल। 7! ये लो आ गया 7। चलो भ्राता अर्जुन। 1 2 3 4 5 6 7! ये रही आपकी कोटी भ्राता दुर्योधन।
ये लो प्रिय अर्जुन, पांसे मामाश्री को दे दो। कौन जीत रहा है विदुर? अभी तो कहना कठिन है महाराज। मामाश्री, आठ चाहिए। आठ मेरी सेना। आठ, आठ। चार? कैसे आ गया? आठ आने चाहिए भ्राताश्री, आठ। आठ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। मामाश्री, ये रही आपकी कोटी भ्राता दुर्योधन। छह आने चाहिए। अभी लो नकुल। आने चाहिए छह भ्राताश्री। छह, पांच। चल नकुल, दो, तीन, चार, पांच। ये लो अर्जुन, मामाश्री को दो। ये लो मामाश्री, अपनी सेना को लो। मेरी सेना? तुम्हारा शकुनी हारे नहीं है? मामाश्री, छह लाइए। मेरी सेना? छह, छह। पांचे मेरी सेना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। सात की आवश्यकता है। सात अवश्य आएगा पांचे। सात, सात से चार। लाइए मामाश्री, सात नहीं आया। मेरी सेना अवश्य जीतेगी, मेरा पासा आएगा। हमें छह की आवश्यकता है भ्राताश्री। छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ये रही आपकी गोटी मामाश्री। भ्राताश्री, अब छह आने चाहिए। अभी लो नकुल। आने चाहिए छह भ्राताश्री। छह, पांच, पांच। चलो एक, नकुल, दो, तीन, चार, पांच। जीतने के लिए हमें 19 और पांडु पुत्रों को बारह चाहिए, परंतु घबराना नहीं, जीतेंगे हम ही। छह, पांजे छे। चलो छे मामाश्री। छे, दो, पांच, पांच। छे, ये क्या हो गया? पांच और हमें 11। आजा मेरी सेना। मुझे 11 चाहिए मामा, मैं हारना नहीं चाहता। 11 मेरी सेना, अंतिम बार 11। मामा श्री। भांजे, मुझे केवल 11 चाहिए। महादेव की सौगंध, यदि 11 नहीं आया तो मैं यहीं पर मार डालूंगा। भांजे, इतने व्याकुल ना हो भांजे। मुझे केवल 11 चाहिए, केवल 11। तुम्हारा मामा तुम्हें वनवास नहीं होने देगा। हाँ, मेरी सेना पर भरोसा रखो, अवश्य आएगा, आएगा। मामाश्री, 11 चाहिए। 11 मामाश्री, 11 चाहिए मामाश्री, 11। अंतिम बार कह रहा हूं तुमसे मेरी सेना, 11। शकुनी को बचा लो। 11, 11। विदुर, क्या दुर्योधन जीत गया? हाँ महाराज, दुर्योधन जीत गया, परंतु हस्तिनापुर, हस्तिनापुर हार गया। मामा, 12 बरस का वनवास और 13 बरस का ज्ञातवास, दुर्योधन जीत गया।
लेख विधि का नाटले कर लो लाख उपाय, धर्मराज ने आज फिर सब कुछ दिया लुटा। Oh!